stalls, but with a cricket bat in her hand. There was no looking back after that. She continued to play, and at the age of 20, played her first inter-college tournament. She broke numerous barriers and rose like a star, her aura truly bright and her spirit unbreakable. We are talking about none other than the Indian cricketer, commentator, author, motivational speaker, and a businesswoman, Miss Anjum Chopra. Please put your hands together for our next new title. I think after Deepa's very motivational, inspiring, thought-provoking words, it's difficult to, add more to what she's already portrayed, what she's already showed all of us. Hindi mein bolo. Thak gaya na English sun sun ke. Chalo fir spotlight tha hi mere pe, meri bhi band kar do. Rehne do. It's okay. I think Deepa ne 3-4 baar mera zikr kiya aur bola ki maine unki madad kari ya nahi kari. I think Deepa shayad hum sab ki madad bahut kar rahi hai. Sirf is wajah se nahi ki wo itni accomplished hain ya itni achiever hain. I think ye jo medals hain ye sirf ye batlate hain ki aap acha kar rahe ho. Lekin jo thought, mehnat, ichha, वो ये बताती है कि आप किस तरीके से और किस डायरेक्शन में जा रहे हो. सो यस, रिवॉर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, दे शो अस, दे मोटिवेट अस, बट द आइडिया इज व्हाट एक्चुअली गाइड्स अस. मैं कुछ दिनों से बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैंडल कर रही हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स क्रिकेटर्स आते हैं ग्राउंड पे, यंग गर्ल्स आती हैं खेलने के लिए. सो उनको देखकर मैंने कुछ एक आध महीने में ये चीज़ देखी है कि जब बच्चे सिलेक्शन के लिए आते हैं तो अब 1000 बच्चा ग्राउंड पे होगा, 3 दिन में सिलेक्शन करना मुश्किल है. लेकिन अगर 180-200 बच्चे ग्राउंड पे होते हैं तो सिलेक्शन करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू 1000 बच्चे. लेकिन जो हमारे मापदंड रहते हैं या जो पैरामीटर्स रहते हैं, जो रीजंस ऑफ सिलेक्शन रहते हैं, ऑफकोर्स स्किल बींग द टॉप मोस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं देखने का कि क्या कोशिश है उस बच्चे की जो ग्राउंड पे आता है. और मैं बच्चा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अंडर 19 होता है या अंडर 23 होता है. और अगर अंडर 19 भी हो रहा है तो वो 12 साल से लेके 19-18 साल की उम्र तक का एज ग्रुप है, तो वो बच्चा ही है. और अगर कोई ग्राउंड पर आ रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि वो दिल्ली टीम के लिए सिलेक्ट हो, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश ही तो है. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आराम से घर बैठ के कर सकते हो, लेकिन वो एक चीज़ है जो आप मैदान में आके करते हो, और वो है एक्सेलेंस. लेकिन एक्सेलेंस पाना इतना आसान नहीं है. तो मुझे लगता है कि दीपा ने जो सबसे पहले शब्द कहे या जो जिस तरीके से हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कोशिश. वो ज़रूर होनी चाहिए, रिजल्ट अपने आप ही आ जाएंगे, लेकिन कम से कम दम दिखाइए कुछ करने का. और सबसे बड़ा मैसेज वही है, लेकिन उससे एक बड़ा मैसेज ये है कि क्योंकि हम स्कूल में हैं, मैं तो हमेशा ही अपने आप को स्कूल में समझती हूँ, बड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, बड़े तो आप अपने आप हो जाते हैं, लेकिन स्कूल में रहना मुश्किल है. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस लेवल पे आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, और आप हमेशा लर्नर ही रहेंगे. कॉर्नक्लेव भी लर्नर्स का ही है, सीखते ही रहो. सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. मेरा हमेशा मानना है कि आप कोशिश करिए अच्छा खेलने की, अच्छा पढ़ने की, लेकिन वो जो एन्जॉयमेंट फैक्टर है ना, वो जो एक हंसी मजाक का फैक्टर है और जो बैलेंस करके चलने का फैक्टर है, वो सिर्फ इसी टाइम पे हो सकता है. सो यू गाइस आर ऑल डेफिनेटली वेरी लकी. अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे टाइम पे इतने अच्छे इवेंट्स नहीं होते थे, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चलती थी, जब लर्नर्स कॉन्क्लेव और ड्रामेटिक्स कॉम्पिटिशन और स्पीकिंग कॉम्पिटिशन, वेरी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हैपन होते थे. हम लोग भी नाच रहे होते थे, जैसे आज स्टूडेंट्स अच्छा डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन वो साल में मुश्किल से 2 दिन होते थे, ज़्यादा नहीं. लेकिन आजकल ये सुविधाएँ हैं कि हम ज़्यादा कर सकते हैं आजकल के दिनों में. सो दैट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज. बट मेरे लिए तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता था कि मैम के आने से पहले बोल देते कि क्लास के बाहर निकलने का मौका मिलता था. आ गए थोड़े टाइम से आते हो. एक तो मैम की टाइमिंग हमेशा परफेक्ट रही है,
पता नहीं है एडवांटेज है या सुपर डिसएडवांटेज है, लेकिन टाइमिंग परफेक्ट है. सो मेरे लिए तो ये मौका होता था कि क्लास के बाहर निकल लो, और कम से कम क्लास टीचर ये नहीं गई कि आपने मंडे टेस्ट की तैयारी नहीं करी, क्योंकि मौका ही नहीं मिला ना, हम तो डांस कर रहे थे. बट आई थिंक जैसे दीपा ने भी कहा कि ये ऑफकोर्स स्कूल में बहुत पॉजिटिविटी है, और पॉजिटिविटी ऑफकोर्स लीडर्स से आती है, प्रिंसिपल मैम, उनकी टीम, द डायरेक्शन दैट कम्स थ्रू फ्रॉम द लीडर्स राइट एट द टॉप ऑफकोर्स ड्राइव्स. वो कहते हैं ना, दीपा ने इतनी अच्छी अच्छी लाइन सुनाई, मैं भी सुना देती हूँ. मैंने भी स्कूल गई थी पढ़ने के लिए, मैं बता देती हूँ. वो मैंने बड़े है इतनी सारी दीपा ने इतनी सारी सुनाई, मुझे भी एक याद आया. मैं गई थी ना, पढ़ाई तो मैंने भी करी थोड़ी बहुत, DPS ही गई थी. तो वो कहते हैं ना, द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम. तो वो एक एनिमेशन है जो बड़ा बचपन में किसी ने कैलेंडर पे बना के भेजा था. उसमें एक ट्रेन बनी हुई है, उस पर एक बड़ा अच्छा सन का चेहरा बनाया हुआ है, स्माइल करते हुए, ऐसे आई लैशेज बने हुए हैं, और वो चेहरा बना हुआ है और वो स्माइल करते हुए आगे जा रहे हैं, और उनके पीछे दो डब्बे बनाए हुए हैं. इट्स जस्ट एन एनिमेशन, एंड इट सेज द स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द टीम, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. अगर इंजन सबसे तेज जाएगा तो पीछे के डब्बों के पास ऑप्शन नहीं है ना धीरे चलने की, और अगर इंजन स्लो जाएगा तो पीछे वाले तो बेचारे कह ही रहे होंगे, छोड़ कल ही देख लेंगे. तो दैट्स द ड्राइविंग फोर्स, और ये सच बात है कि यहाँ पे वो ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पर वो पॉजिटिविटी है, और इसी वजह से जब भी हम आते हैं यहाँ का माहौल हमेशा एक खुशनुमा होता है और एक इन्जॉयमेंट फैक्टर रहता है. एंड आई डोंट हैव टू गो वेरी फार, देर आर स्टूडेंट्स हियर ऑफकोर्स. इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा उसने, हेड बॉय होने का फ़ायदा उठा लिया सबसे पहले माइक पकड़ के. तो देखो, हेड बॉय होगा, वाइस हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल को भी मौका दो कुछ पूछने का, तो बाकियों के पास भी ऑप्शन रहता है. बट आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस टू बी हियर, एंड आई एम नो डाउट्स इन माई माइंड दैट यू नो दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्लेसेस टू गेन द लाइफ बेस्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ट एक्सपोजर एंड बेस्ट टाइम ऑफ योर जर्नी, बिकॉज इट जस्ट स्टार्ट्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो यू हैव द finest of pedestals to move forward with. So I wish you all the best. Thanks.